100 एकर वुड के बीच क्रिस्टोफर रॉबिन और उसके दोस्तों की थी बड़ी ही रोमांचक जिंदगी। आपसे एक बात कहूँ, क्यों ना हम भी चलें 100 एकर वुड? हाँ, आज के खास दिन पर पू को रैबिट ने बुलाया था अपने घर दोपहर के खाने पर, और वहाँ मिला उसे उसका मन पसंद पकवान। वो खुशी से खाने लगा और वो खाता गया, खाता गया, खाता गया, खाता गया, खाता गया, बस खाता ही गया। और आखिरकार उसने चिपचिपे हाथों से हाथ मिलाकर कहा, अच्छा तो अब मैं चलता हूँ, शुक्रिया रैबिट। कोई मेरी मदद करो। ये सब ज्यादा खाने का नतीजा है। ये बड़ा दरवाजा नहीं बनवाने का नतीजा है। अगर इसे मुझे महीना तक देखना पड़ेगा तो क्यों ना इसकी तरफ पीट करके बैठा जाए। ओ नहीं, यहाँ भी दिख रहा है, मैं इसे घुमा देता हूँ। ओफो, पू, रू तुम्हारे लिए कुछ लाया है। देखो फूल। ये मुझे पसंद है। ये बढ़िया है, बहुत अच्छा है, क्या सजाया है मैंने। रुको भाई, अच्छी। बचाओ। मैंने पू को खाने पे बुलाया ही क्यों? और फिर एक सुबह जब रैबिट को लग रहा था कि पू हमेशा के लिए अटक गया है, एक अजीब सा चमत्कार हुआ। वोहिला, हुर्रे, क्रिस रिबन, वोहिला, वो झूला, वो झूला, आज तो निकल ही आएगा। बैठे मधु और मैं हुपो बे, यम 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 यम, कुछ मीठा हो जाए। जहाँ पू बड़ी मुश्किल से छूटा था, वहीं फिर से खुशी खुशी अटक गया अपनी मनपसंद जगह पर। आगे क्या हुआ ये कहानी फिर कभी किसी और दिन।